गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए आज का स्टॉक। सर यो ऐसी मार्केट है जहां पे लोग बहुत सावधानी से स्टॉक दे रहे हैं और हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं सर। हमें कैपेक्स साइकिल पे बहुत 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 भरोसा है और हमें लगता है कि अगले 2 साल 3 साल इंडिया के लिए बहुत बड़े रहेंगे कैपिटल गुड के लिए। तो कैपिटल गुड्स में हम लोग कंपनीज ढूंढ रहे हैं सर, वो ढूंढ रहे हैं जहां पे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वो ढूंढ रहे हैं जहां पे एग्जीक्यूशन की हुई है, वो ढूंढ रहे हैं जहां पे हमें मालूम है कि अभी कम से कम 50% मार्केट शेयर उनके पास है। सो यू नो मैं कभी टारगेट देता नहीं हूं सर, बट टू बी ऑनेस्ट इन दिस कंपनी आई फील कि ये जो स्टॉक आई थिंक अराउंड 850-900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये कम से कम 2000 का भाव हो सकता है सर अगले 2 साल में या 2 साल में कम। मैं इसको FMCG फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स या यू नो प्रोफेसर यू नो ने बोला हुआ कि FMIG भी है जिसे फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड भी कह सकते हैं। तो मेरे लिए नया FMCG कंपनी है सर। बिग पिक्चर अगर की बात करूं सर, मगर अगर आपको एक कैपेक्स रिवाइवल खेलना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द स्मॉल कैप स्पेस टू प्ले फॉर। रिसेशन प्रूफ बिजनेस सर। करता क्या है, ये बेल्ट बनाता है, वी बेल्ट बनाता है। तो आपको इंडस्ट्रियल्स में एग्रीकल्चर में ये प्रोडक्ट बार बार लगता है। बेल्ट ऐसी चीज है सर जिसका रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत हाई है। आपको यू नो साल 6 महीने साल 2 साल के अंदर अंदर उनको चेंज करना होता है। नेचर ऑफ एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है, वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है तो इसका रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हमारे हिसाब से सर कि अगर हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट साइज जो इस प्रोडक्ट का है वो कुछ 22,000 करोड़ का है और अभी भी इसके पास ओनली 2% मार्केट शेयर है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। कैपेक्स कर रहा है कंपनी सर, डेट फ्री बैलेंस शीट है, 60 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, इसका कैपेसिटी 50% से ज्यादा हो जाएगा अगले 2-3 साल में, तो आपको नंबर और मजबूत दिखेंगे। हमारे मॉडल के हिसाब से अगर हम प्रमोटर के बात करें तो ये फैमिली रन बिजनेस है सर, जहां पे प्रमोटर्स मेरे ख्याल में 62% के आसपास स्टेक ओन करते हैं। अमरपाल सेठी जी है जिनको 50 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो चेयरमैन एंड MD है। कोई भी प्लेज नहीं है इस कंपनी में। मुकुल अग्रवाल जो एक इन्वेस्टर है वो नियरली 2.5% स्टेक ओन करते हैं और रोज मैंने सुना है कि हाँ भी वो ऐड करते रहते हैं इस कंपनी में। प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बोला कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बेल्ट है और रिलेटेड मैकेनिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट है इंडिया में, क्योंकि ये 100 कंट्रीज को अक्रॉस ग्लोब सप्लाई करता है। सर बहुत लोग बोलेंगे यार बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी चीज है, ये तो कोई भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है सर, क्योंकि इनको 2500-2500 SKUs है इस कंपनी के। इसका मतलब है कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो टफ भी होना चाहिए पर एजाइल भी होना चाहिए। तो आप सोचिए कि हाँ भी जो बेल्ट होती है उसका जो यू नो जो वो लगता है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके से लगता है। बहुत कम कंपनीज होती है जिनका इतना बड़ा SKU होता है। 50% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर है सर, जैसे मैंने बोला आई थिंक वो 2500 डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्ट को बनाना, उसको इतना अच्छा बनाना ताकि उनके क्लाइंट्स बार बार आ सके। आप इंडिया में कोई भी कंपनी का नाम लीजिए सर, सबके क्लाइंट्स है। इन्वेंट्री भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है और क्वालिटी इनकी इंटरनेशनल पेयर से मजबूत है और प्राइसिंग कम है। अगर आप बात करें पेयर्स की सर, तो जेके फेनर एक अकेला कंपनी है, इंडिया में 2 ही कंपनीज है ऐसी जो ये इस धंधे में है। जेके फेनर जो सिंघानिया ग्रुप की कंपनी है सर, आई थिंक उन्होंने लास्ट 3 साल में इसको बहुत पीछे कर दिया जेके फेनर को। जेके फेनर का जो मेरे ख्याल में प्रॉफिट फ्लैट था लास्ट 3 साल में, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 50% से ऊपर कैगर में ग्रो किया है। इवन एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, गेट्स करके है, उनके साथ इनका जो ब्रांडिंग है इनका जो ब्रांड है उनके साथ साथ चलता है और प्राइसिंग कम है। तो खुद का ब्रांड है सर, 90% सेल्स इसके खुद के नाम पे खुद के ब्रांड पे होती है, ये बहुत कम होता है बिकॉज बहुत लोग मानते हैं कमोडिटी प्रोडक्ट है जो नहीं है, बिकॉज इनके ब्रांड पे ही माल बिकता है। अब प्राइस की बात करो सर, तो हमें क्या अच्छा लगता है कि आपको जो इंडस्ट्रियल गुड्स में कंपनीज हो जहां पे मार्जिन अच्छे हो सर, कम से कम 20 क्वार्टर से इसके ग्रॉस मार्जिन 60% रहे हैं, एबिटा मार्जिन 25% के आसपास रहे हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है सर। आज के टाइम पे इस भाव पे आपको ये कंपनी 10 टाइम्स मल्टीपल पे मिलता है FY24 पे और ROIC इसका कम से कम 30% है। सो बहुत कम होता है सर कि आपको ऐसे रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस मिले। और कैपेक्स साइकिल अगर आपको प्ले करना है इंडस्ट्रियल्स में और एग्रीकल्चर में 10-10 P/E पे स्टॉक्स मिले बहुत कम होता है। सो एज पर अस दिस इज अ वेरी वेरी सॉलिड स्मॉल कैप स्टॉक। डिस्क्लोजर ऑफकोर्स यू नो कि हमने अपने क्लाइंट्स को बोला हुआ है, हम खुद ओन करते होंगे इस स्टॉक को, बट आप अपना पता ही कर लीजिए, समझ लीजिए इस कंपनी को बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पिक्स ट्रांसमिशन वरिंदर रिसर्च स्टॉक। और जैन साहब के जेम्स में भी ये स्टॉक लगातार रहा है, मेरे ख्याल से जैन साहब ने 140-150 रुपए के लेवल से लगातार रिकमेंड किया। जैन साहब आपकी भी राय है पिक्स ट्रांसमिशन पर? बिल्कुल अनिल जी, देखिए पिक्स ट्रांसमिशन ऐसा स्टॉक है जो कि सबसे सक्सेसफुल स्टॉक था लास्ट ईयर के जेम्स की सीरीज में, जब मैंने जुलाई 27 तारीख को एनालिसिस भी दी थी तब तक ये 6-6.5 गुना हुआ था, 800 रुपया था, फिर ये ऊपर वापस से गया, आई थिंक 1100 के लेवल्स पे ऊपर छू के आया है, फिर वहां से 1175 के हाई, टू बी प्रिसाइज,
और वहां से करेक्ट हुआ हुआ है अभी। सो मैं यही कहूंगा कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, वरिंदर जी ने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, और नीचे के लेवल्स पे आके वापस सब ये बाउंस बैक देना शुरू किया है, अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लिया था, और फैंटास्टिक क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह सब आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि ये दिसंबर का क्वार्टर लास्ट दिसंबर से फिर भी थोड़ा सा नॉर्मली मानूंगा, बट काफी कंपनी गजब की ग्रो कर रही है, एंड आई फील प्रोमोटर्स बैकग्राउंड और सारी चीजें सब फैंटास्टिक है। आई थिंक फंडामेंटल्स में ज्यादा बात नहीं करते हुए ये कि जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें और धीरे धीरे इसको लेते जाए, और आज वरिंदर जी ने दे दिया तो उसके बाद तो फंडामेंटल बेट बहुत बड़ा लग ही चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग अनिल जी। जैन साहब, एक तारीख आपको बताता हूँ, उस तारीख की इम्पोर्टेंस बताइएगा मेरे को क्या है। 8 अक्टूबर 2020, उस दिन क्या हुआ था बताइए। यही तो प्रॉब्लम है जैन साहब, आपको याद नहीं रहता अच्छी अच्छी चीजें, हमें सब आंकड़े रखने पड़ते हैं। 8 अक्टूबर 2020 को जैन साहब ने पहली बार पिक्स ट्रांसमिशन 150 रुपए में रिकमेंड किया था जी, वहां से सिर्फ ज्यादा नहीं 6 गुना हुआ है। 6 गुना हुआ है, वाह क्या कमाल का है। और अब वरिंदर की रिसर्च में भी ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। वरिंदर बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों तक पूरी रिसर्च के साथ बताने के लिए। पिक्स ट्रांसमिशन, जैन साहब की भी पसंद का स्टॉक और वरिंदर बंसल की भी पसंद का।